हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैपिटल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये मेरा सिंगोनियम है और ये सिंगोनियम की कई वैरायटी है मेरे पास में। एक ये है और ये बहुत छोटा सा प्लांट लेके आई थी, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और एक ये लेके आई थी मैं, तो इसमें अब ग्रोथ स्टार्ट हुई है। अभी फ़िलहाल ग्रोथ नहीं हो रही थी तो अब स्टार्ट हुई है। और एक ये लेके आई थी तो मेरे पास पॉट नहीं थे तो मैंने इसी में ही लगा दिया था, बल्कि ये ख़रीद के लाई थी तो उनसे कहा भैया मुझे ये दे दे, तो उन्होंने मुझे ये कटिंग दे दी इतनी छोटी सी। तो ये फिलहाल तो चल गई, लग रहा है ये पत्ती खुली थी, अंदर से ठीक से नहीं खिल पाई है। तो ये पिंक है, ये एक दो तीन वैरायटी हो गई। और एक ये है, ये देखिए ये वाला सिंगोनियम है, ये चार वैरायटी है मेरे पास में। और देखिए मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये इस पर रजाई डाली थी सूखने, तो रजाई सुखाने के चक्कर में ये पूरा नीचे गिर गया। तो मेरे उधर गमले कई एक टूट गए, तीन चार चार गमले टूटे मेरे। देखिए सच में बहुत दुखी कर दिया है। एक तो मेरा ये क्यों तोड़ दिया, ये देख रहे हैं आप, ये तोड़ा है एक ये गमला, एक ये तोड़ा है, 16 इंची का गमला था तोड़ दिया। और ये मेरा गुलाब की ऐसी तैसी कर दी, देख रहे हैं पूरा गमला टूट गया है, बहुत दुख लग रहा है। पूरा गुलाब, इतने फूल थे उसमें, सभी तोड़ के बराबर कर दिया है उसने। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं लोगों का। तो ये मेरे पास चार वैरायटी है ये सिंगोनियम की, तो ये इजीली कटिंग से लग जाता है। ये तो मैं ख़रीद के लेके आई थी, ये कटिंग से लगाया था, और वो भी मैं ख़रीद के लाई थी, ये वाला भी मैं ख़रीद कर ही लाई थी। तो इसमें क्या करना है, पोरस मिट्टी बनानी है, कोई एक्स्ट्रा इसकी ज़्यादा नहीं है, खाद वगैरह ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैंने फ़िलहाल छोटे पॉट में ही लगा दिए, साथ में ये बास्केट का भी लगा दिए कटिंग, तो ये चल जाए तो अच्छा है। तो ये मेरे पास कई तरह के सिंगोनियम हो गए, बस इन्हें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए, थोड़ा सा शेडी प्लेस चाहिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ इन्हें धूप तो मिले पर तेज़ धूप ना लगे। तेज़ धूप लगती है तो भी ये मुरझा जाते हैं, ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा छाया देना चाहिए और नम मिट्टी हो, जैसा ऐसे रखनी चाहिए कि धूप भी लगे और छाया भी रहे। देख रहे हैं आप, ये छन के इनकी सबकी छन के धूप जाएगी, तो इस तरह से आप इन्हें लगाइएगा जिससे कि धूप तो लगे पर तेज़ धूप, डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। वैसे तो ये शेडी प्लेस में है के प्लांट है, मगर अब क्योंकि ठंडक शुरू हो गई है तो उस हिसाब से आप इन्हें लगाइएगा, थोड़ी सी छायादार जगह में रखिएगा तो ये अच्छे से चलते हैं। और अगर आप बिल्कुल छाया में रख देंगे, धूप में ब्राइट लाइट में नहीं मिलेगी, तो भी इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और देखिए मैंने इस तरह से लगा रखा है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और ये ऊपर धूप जब लगती है तो इस तरह के पत्ते हो जाते हैं, इनका सारा कलर वगैरह सारी डिज़ाइन सब ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी ऐसी जगह रखिए जहाँ पर तेज़ धूप ना लगे, है ना। तो ये मुझे बहुत सुंदर, ये वाला मुझे वैरीगेटेड वाला, ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, तो इस तरह से इसे लगाना चाहिए कि इस पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, है ना। कैटरपिलर ने ये देखिए खाया है खूब अच्छे से आराम से, तो कितना प्यारा लग रहा है ना, वेरीगेटेड है ये, बहुत सुंदर लग रहा है। और बेलड्रेन मिट्टी, और गर्मियों में अभी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसलिए मैंने इस पे थोड़ी सी हल्की सी एक लेयर गोबर की खाद की इसमें डाल दी थी। देख रहे हैं मिट्टी कितनी अच्छी है, इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए कि बिल्कुल पोरस, मैंने एक उंगली से इसे गुड़ाई कर दी तो। और इसमें ये इस तरह की एयर रूट भी निकलती हैं, तो आप इन्हें देख रहे हैं ये भी रूट ही निकल रही हैं, तो इस तरह की एयर रूट निकलती रहती हैं। तो इसमें आप मोज़ा स्टिक लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो बाहरी एयर वाली रूट है उन्हें भी थोड़ा सा पानी, नमी मॉइस्चर मिलती रहेगी तो वो अच्छे से चल जाती हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा पानी का, एक्स्ट्रा ओवर वाटरिंग में, वाटरिंग होने से ये हो जाता है ना कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ओवर वाटरिंग नहीं होने देने चाहिए आपके इस प्लांट में। थोड़ा सा नमी बना के रखो और धूप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखो, थोड़ा शेडी प्लेस में रख दो जैसे कि छन के धूप मिले। जैसे अभी इधर मैं रख दूँ तो इनकी छाया रहेगी, इधर बालसम वगैरह की इनकी सबकी छाया रहेगी, तो ये डायरेक्ट सन से बचाना चाहिए, बस इतना करना है। और बिल्कुल छाया में भी मत रख दो कि बिल्कुल अंधेरे एरिया में रख दिए, इसे ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, थोड़ी सी रोशनी बहुत अच्छी लगती है, पर छाया में मत रखिएगा कि हाँ अंदर रूम में रख लें। पर अब क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, गर्मियों में तो आप रख सकते हो इसे बिल्कुल शेडी प्लेस में, मगर सर्दियों में इसे थोड़ा सा धूप मिल जाए या बारिश के टाइम पे भी थोड़ा सा पानी से बचा के रखिए। ओवर वाटरिंग से प्लांट जो भी होते हैं इंडोर प्लांट, वो बहुत जल्दी मरते हैं। और गर्मियों में बिल्कुल तेज़ धूप से बचा के रखिएगा, बिल्कुल ही छाया जैसे ऐसे
ब्राइट लाइट तो रहे पर गर्म हवाएं और छाया रहे, ऐसी जगह पर रखिएगा। बहुत खूबसूरत है, अपने गार्डन में से ज़रूर जगह दीजिएगा, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इजी टू ग्रो है, आप कटिंग से इसे बहुत ही ईजीली लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट को लगा सकते हैं वैसे ही दो तीन नोड एरिया हो वहाँ से कट करके आप ईजीली इसे लगा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो ये सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटी होती है, कम से कम बहुत ज़्यादा स्पीसीज होती है, इसका कुछ पता नहीं कितनी होती है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, मेरे पास तो फ़िलहाल ये चार ही हैं और अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिएगा। ओवर वाटरिंग का ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइज़र आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे अगर आपको पानी देना है दो दिन बाद तो उसमें आप फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। इंडोर प्लांट के लिए वैसे तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, मगर फिर भी थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, मंथ में एक बार या टू मंथ में एक बार डाल सकते हैं। और इसमें गर्मियों में मैंने यहाँ पर रखा था, इस बार मार्च से ही बहुत गर्मी पड़ने लगी थी तो प्लांट को बचाना मुश्किल हो गया था, तो इंडोर प्लांट को मैंने इस तरह से बिल्कुल साइड में पीछे की साइड रख दिया था। यहाँ पे इस जगह धूप बहुत हल्की कम आती है तो यहाँ पर रखे थे मैंने सारे प्लांट, तो यहाँ पर आराम से ये चल गए। और इनका प्रोपोगेशन भी बहुत ईजी है, कटिंग से आप आसानी से लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने के बाद में इसी तरह से शेडी प्लेस में रखिए, बिल्कुल छाया में रख दीजिए और कवर कर दीजिए पॉलीबैग से। अभी तो मैं कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी धूप भी थोड़ी सी हल्की है और इस तरह से छाया में रखा है। और ये देखिए कितना बुशी प्लांट हो गया है, ये छोटे से 6 इंच के पॉट में लगाया है या 7 इंच के पॉट में लगाया है। तो एक वैरायटी ये है मेरे पास में, इसमें हल्के पिंकिश और ग्रीनिश पत्ते आते हैं। और इसमें एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखिए इस साइड में धूप हल्की आती है, बड़े प्लांट की छाया तो पत्ते अच्छे हो रहे हैं, और दूसरी साइड में पत्ते इसके जहाँ धूप लगती है उसका कलर ही चेंज हो गया, बिल्कुल ग्रीन हो गया, उसकी लाइनिंग वगैरह जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो तेज़ धूप से बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है बस, फिल्टर होके सनलाइट आए तो वो सही रहती है, फिल्टर्ड सनलाइट बढ़िया रहती है इनके लिए। और मिट्टी बहुत पोरस होनी चाहिए, इसमें पानी रुके ना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए गमले का, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जब ये प्लांट लेके आई थी साथ में ये कटिंग ले रही थी उनसे, तो देखिए ये कटिंग से प्रोपेगेट हो जाते हैं, बहुत इजीली लग जाते हैं, तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।